सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ मनोज दे की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। मनोज दे मतलब कि वो अपने पुअर बैकग्राउंड से आता हुआ आदमी है और उन्होंने कुछ नहीं मतलब कि अपनी पढ़ाई तक गवर्नमेंट स्कूल से की है। ओके गाइस, और आईटीआई का उन्होंने कोर्स किया था और पुअर बैकग्राउंड से आता हुआ उनके पास नेट के कराने के भी पैसे नहीं थे गाइस। ओके, तो आप समझ सकते हो कि कितना पुअर बैकग्राउंड था उनका, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनको मतलब कि वो अपनी यूट्यूब जर्नी में पूरा पूरा है मतलब कि जोर लगा दिया उन्होंने और पूरे पूरे हार्डवर्क किया अपने पूरी यूट्यूब जर्नी में। उन्होंने पहला चैनल बनाया था गाइस, उनका नाम मतलब कि उन्होंने वहां पे अपने सॉन्ग डालते थे मतलब कि खुद ही मतलब सॉन्ग गाते थे और फिर वो डालते थे गाइस। और वो चैनल ज्यादातर चला नहीं क्योंकि उनके पास ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उनके पास मतलब कि उनके पास आप पैसे नहीं थे, सो मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन वीक थी उनकी गाइस। सो उन्होंने मतलब ये चैनल बंद कर दिया, फिर उनको लगा, फिर उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी, जॉब में भी उनको कुछ लगा नहीं ज्यादा। फिर उन्होंने अपनी दूसरी चैनल स्टार्ट की और उसकी दूसरी चैनल बहुत चली गाइस, और आगे उनके 6 महीने में उसका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया गाइस और वो बहुत खुश थे। फिर क्या हुआ, उनके वहां पे भी एक टर्न आया गाइस और वहां पे उनका चैनल डिसेबल हो गया मोनेटाइजेशन। सो वो बहुत नाराज हो गए गाइस और फिर उन्होंने वहां से भी एक और हार्डवर्क किया, हार्डवर्क करके आज वो बहुत ऊंचाई पर है गाइस। आप सर्च करके देख सकते हैं मनोज दे करके, उनका चैनल आज 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है। सो जल्दी से उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको मतलब फॉलो कीजिए गाइस। ओके, उनका वीडियो देखिए गाइस। ये आदमी ने बहुत स्ट्रगल किया है गाइस अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है गाइस। सो आप देख सकते हैं गाइस, और मैं भी उनका गुरु मानता हूँ, वही मेरे मतलब कि आज मैं जहाँ तक हूँ, मैंने सक्सेस पाई है वो उनकी वजह से ही पाई है, उनकी मोटिवेशन की वजह से ही पाई है गाइस। सो आप भी देखिए, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा गाइस। थैंक यू, स्टे होम सेफ होम गाइस।